तो यहाँ पर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, तो कुछ हम यहाँ पे स्टेप्स चल के देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं कितनी अब एक्यूरेसी मिलने वाली स्मार्ट वॉच के थ्रू। बढ़िया हरी, अभी मेरे पास ना नॉइस ब्रांड की तरफ से नॉइस HRX बाउंस करके एक स्मार्ट वॉच अभी आई हुई है। अभी मैं उससे अपनी छत पे खड़ा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ तुम्हें कैसी आ रही है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों की। अभी रिसेंटली ही नॉइस ब्रांड की तरफ से एक स्पोर्टी लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है, दैट इज नॉइस HRX बाउंस स्मार्ट वॉच। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज इसका लॉन्च प्राइस है, प्राइसिंग इसके बढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर मेनली अगर आप है फिटनेस फ्रीक, उस पर्पज को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वॉच डिजाइन की गई है। इसमें आपको सर्कुलर 1.39 इंचज का आपको TFT डिस्प्ले मिलने वाला है, 100+ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिल जाएंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है। और मैं लगभग इसको 3 दिन हो गए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, अच्छी तरीके से इसे ग्रिलिंग कर चुका हूँ। आपको सारी टेस्टिंग बताऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि अगर आप सोच रहे हैं एक फिटनेस फ्रीक है, अगर आपको एक स्पोर्टी डिजाइन की स्मार्ट वॉच चाहिए, एंड तक पहुंचते पहुंचे सब टेस्टिंग देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको नॉइस HRX बाउंस स्मार्ट वॉच का ऐसे बिल्कुल आपको डिसेंट सा बॉक्स मिल जाएगा, और ये डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव ब्रांड की तरफ से। क्विकली अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है हमेशा की तरह पेपर वर्क, आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा 1 ईयर की, साथ ही में ब्रांड की तरफ से स्टिकर्स और यूजर मैनुअल, इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको एडिक्वेट लेंथ की चार्जिंग केबल मिलने वाली है टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। अगर हम मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 22 mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, इसको आप आराम से स्ट्रेचेबल तरीके से यूज कर सकते हैं, वैसे डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर हिंजेस मिल जाएंगे। स्मार्ट वॉच के बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स मिल जाएगा, बिल्ट इन स्पीकर मिलने वाला है, माइक्रोफोन मिलेगा, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे कैसा इसका आउटपुट है। साइड में आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ट पॉलीकार्बोनेट बिल्ट दी गई है, थोड़ा मेटेलिक डिजाइन दिया गया है, लेकिन पूरी जो बिल्ट है आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है। दो आपको साइड में मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको इंप्रेसिव मिल जाएगी। सो मेनली आपको एक सर्कुलर डिस्प्ले चाहिए बड़े स्ट्रैप्स के साथ, स्पोर्टी लुक एंड फील चाहिए, इसको आप उस पर्पज के लिए ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1.39 इंचेस का आपको TFT सर्कुलर डिस्प्ले मिल जाएगा 450 nits ब्राइटनेस के साथ, व्यूइंग एंगल्स यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाले हैं। अगर हम इसके यूजर इंटरफेस की स्मूथनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा UI मिलेगा, बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं बोल पाएंगे, आपको ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी यूज़ करने में, लेकिन बोलते ना बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ, हल्का फुल्का लगा बेटरमेंट होनी चाहिए यहाँ पे UI पार्ट को लेके। साइड में आप देख सकते हैं दो आपको बटन्स मिलने वाले हैं, जो ऊपर वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी आपकी एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच में आप एक्सेस कर सकते हैं, और जो नीचे वाला बटन दिया गया है उसको आप सिंगल प्रेस करेंगे, इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं 100+। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं मल्टीपल, आपको कौन सी कैटेगरीज में एक्टिविटीज करनी है आप ट्रैकआउट कर सकते हैं। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे बिल्कुल टाइटली स्मार्ट वॉच को हाथों में पहना हुआ था, और अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं मैं यहाँ पे घूम फिर के 41 स्टेप्स चल के आया था, और स्मार्ट वॉच में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जैक्टली 41 स्टेप्स ही दिखा रहा था। तो मेनली अगर आप स्मार्ट वॉच को बिल्कुल हाथों में टाइटली पहनेंगे, अगर आप फिटनेस फ्रीक है, एक्यूरेसी स्टेप काउंटिंग को लेकर काफी आपको बढ़िया मिलने वाली है, फिटनेस फ्रीक है उस पर्पज के आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको मिलने वाले हैं शॉर्टकट्स, यहाँ पे जो रेस टू वेक फीचर है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसका जो रेस टू वेक फीचर है एडिक्वेट तरीके से वर्क करता है, बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं वर्क करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का आपको डिले देख सकता है, लेकिन जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे टाइम देखने के लिए आपको डिस्प्ले तो दिख जाएगा। अब आपको सेटिंग्स पार्ट में आप जाएंगे तो सेटिंग्स पार्ट में आपको यहाँ पे कुछ वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कौन सा आपको वॉच फेस पसंद आया। साथ ही में स्क्रीन टाइम आउट में यहाँ पे आपको मिनिमम 5 सेकंड्स का टाइम आउट दिया गया है, मैक्सिमम 30 सेकंड्स आप स्क्रीन को डिस्प्ले ऑन रख सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इसका आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। और डिस्टर्ब मोड को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, रेस टू वेक फीचर को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कैसी चाहिए, आपको सॉफ्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, वाइब्रेशन अलर्ट्स आपको ऑफ करना है, किसी का कॉल आया, नोटिफिकेशन आए, यहाँ से आप कर पाएंगे। और ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। एंड अगर आप आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, यहाँ पे आउटर कंडीशन में मैं इसको सनलाइट में यूज़ कर रहा हूँ, ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी है, आप मैनेजेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं आउटर कंडीशन में, बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं है ब्राइटनेस को लेकर, लेकिन हाँ आपको ऐसा कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, वैसे आप यूज़ तो कर पाएंगे आउटर कंडीशन में भी स्मार्ट वॉच को। साथ ही में आपको सिस्टम में मिल जाएगा पावर ऑफ, रीस्टार्ट और रीसेट का ऑप्शन। अगर आपको QR कोड मिलने वाला है इसको आप स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे एक्जैक्टली कैसे एप्लीकेशन वर्क करती है स्मार्ट वॉच के साथ, और यहाँ पे आपको अबाउट स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सब आपको चीज़ें मिलने वाली है सेटिंग्स पार्ट में। यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स में ही ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डो नॉट डिस्टर्ब मोड को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो है फ्लैशलाइट का ऑप्शन भी दिया गया है, टैप टैप करके अगर आप चाहें तो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा, फॉन्ट भी सही दिया गया है, स्क्रॉल करके आप फुल मैसेज रीड कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है, और इसमें आपको क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
और अगर आप स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक्टिविटी रिकॉर्ड्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कितने आपने स्टेप काउंटिंग की हुई है, कितनी कैलोरीज बर्न की हुई है। स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर का ऑप्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिखा देगा प्रॉपर डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपको चीजें मिलने वाली है स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो, और स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है वर्कआउट्स का। मेनली अगर आप जिम में एक्टिविटीज करते हैं आप गोल सेट कर सकते हैं कितनी देर तक आपको टाइमिंग के लिए एक्टिविटीज करनी है। 10 मिनट से लेकर 95 मिनट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको बिल्कुल एक्टिविटीज चेकआउट करनी है, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्टकट दिया गया है यहाँ पे। यहाँ से जो ऊपर वाला बटन दिया गया उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया सारी की सारी एप्लीकेशंस मिलने वाली जो स्मार्ट वॉच में है, यहाँ पर आपको नॉइस हेल्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, एक्टिविटी रिकॉर्ड का ऑप्शन, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट किट में और स्मार्ट वॉच में माइन्यूट सी हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेकर हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। सेम आपको फ्लक्चुएशन हल्की फुल्की देखने को मिलेगी इसकी ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेकर भी। तो कैजुअल रीडिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप हेल्थ इंस्ट्रूमेंट किट्स जो आते हैं उसको यूटिलाइज कीजिएगा फॉर परफेक्ट एक्यूरेसी। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। नॉइस बस में आपको कॉलिंग का फीचर दिया गया है, रीसेंट कॉल्स चेक कर सकते हैं। प्रॉपर आपको डायल पैड मिल जाएगा कॉलिंग करने के लिए। और यहाँ पे किसी का कॉल आ रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। अब आप लीजिए एक ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट के थ्रू। हेलो हेलो, हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अभी बेबी को स्कूल से लेकर आई हूँ। अच्छा, आ गई स्कूल से। हाँ। बढ़िया। अरे अभी मेरे पास ना नॉइस ब्रांड की तरफ से नॉइस HRX बाउंस करके एक स्मार्ट वॉच अभी आई हुई है। अभी मैं उससे अपनी छत पे खड़ा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है। क्लियर है? ऐसा कोई डिस्टॉर्शन या फिर बैकग्राउंड नॉइस, विंड नॉइस, लाउडनेस को लेके? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ क्लियर है काफी। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, बाय बाय। और कॉल के टाइम पे यहाँ पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को। जो स्पीकर की लाउडनेस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कॉलिंग के टाइम पे कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और एक और प्लस पॉइंट इसमें है कि इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाएगा। जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, सिंपली आप स्मार्ट वॉच में टैप करेंगे जो भी वो आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से कमांड देकर यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें आपको बिल्ट इन दो गेम्स मिलने वाला है, यंग बर्ड और हैमस्टर का, टैप टैप करने के लिए अगर आप चाहे टाइम पास करने के लिए स्मार्ट वॉच के थ्रू भी आप कर सकते हैं। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया, ये भी सही तरीके से वर्क करता है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करके प्ले पॉज कर सकते हैं ट्रैक्स को, ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। जो फोन की वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू। लेकिन जिसका बिल्ट इन स्पीकर है इसके थ्रू आप म्यूजिक नहीं सुन पाएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे जिसका ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशंस का, वेदर इन्फॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। टाइम में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने का ऑप्शन, स्टॉप वॉच, टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, इनको यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलने वाला है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, रिमोट कैमरा शटर का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये सब आपको चीजें मिलने वाली है स्मार्ट वॉच में। और यहाँ पर इसमें आपको मिलने वाला है IP67 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर। अगर आप हैवी एक्टिविटीज करते हैं, जिम में है, वर्कआउट्स करते हैं, स्वेट आता है, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को। और एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसमें आपको नॉइस फिट ट्रैक एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है। सिंपल स्टेप्स आप जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, फ्रंट पेज में जितने भी आपने एक्टिविटीज की स्टेप काउंटिंग को लेकर, अपने सेंसर्स पार्ट को लेकर यहाँ पे आप ट्रैकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा स्मार्ट वॉच की। वॉच फेसेस में आपको यहाँ पे कुछ बिल्ट इन वॉच फेसेस दिए गए हैं। आप मोर वॉच फेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलने वाले हैं। बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के वॉच फेस मिल जाएंगे, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपके फोन में जो स्टोर है पिक्चर, आपको वॉच फेस की तरह लगाना है, आपको टाइम पोजिशन कैसा चाहिए, टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेकर। यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिया गया, एक्जैक्टली आपको कौन कौन से नोटिफिकेशंस एप्लीकेशंस के चाहिए आपके स्मार्ट वॉच में, यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा शटर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि इस एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है। जो यहाँ पे स्मार्ट वॉच में शटर दिया गया उसको आप टैप करेंगे तो एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू यहाँ पे पिक्चर ले ली जाएगी। फेवरेट कॉन्टेक्ट्स में आप 8 डिफरेंट कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट दोस्त है भाई उनका आप कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं यहाँ से। और अदर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने वाला है, फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन, टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम, डू नॉट डिस्टर्ब, रिमाइंडर्स टू मूव, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, फोन म्यूजिक कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, बैटरी सेविंग का ऑप्शन, लैंग्वेज सिलेक्शन, स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया गया है, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को यूटिलाइज कर सकते हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। ये सब आपको चीजें मिल जाएंगी। इसमें आपको टाइमली अपडेट्स भी आते रहते हैं, एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं ताकि आप सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाए स्मार्ट वॉच के। तो यहाँ पे देखा जाए एप्लीकेशन काफी यूजफुल है, इसको आप कनेक्ट करके प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसके बैटरी बैकअप की बात करेंगे, लगभग मैं इसको 3 दिन से यूज कर रहा हूं और आप बोल सकते हैं अभी बैटरी यहाँ पे बची हुई है 32% के आसपास। और मैंने इसका एडिकेट यूसेज किया है, बहुत ज्यादा हैवी यूसेज नहीं किया हुआ है। तो अगर आप इसका एडिकेट यूसेज करते हैं तो लगभग आप बोल सकते हैं 4 से 5 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ खींच सकती है। अगर आप इसका बहुत ज्यादा हैवी यूसेज करेंगे, अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करते हैं
तो आप बोल सकते हैं 1.5 से 2 दिन मैक्सिमम में बैटरी लाइफ निकाल देगी, एडिकेट इसमें आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। तो मैंने आपको इसके सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, और देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तक जस्टिफाई भी करती है, लेकिन हल्के फुल्के मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एनहांसमेंट देनी चाहिए थी। और जो इसका ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है ना, जो मैंने आपको टेस्ट दिखाया, इसका जो स्पीकर है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है। मतलब मेनली अगर आप घर के अंदर है, घर के बाहर भी, मतलब टेरिस पे है या फिर बालकनी में है, उस पर्पज के लिए ग्रैब कर सकते हैं। एडिकेट लाउडनेस दी गई है, बहुत ज्यादा लाउडनेस भी नहीं है स्पीकर पैड को लेकर। माइक्रोफोन सही तरीके से वर्क करता है, सामने वाला आपको फोकस से सुन पाएगा। ब्लूटूथ कॉलिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी, एक्यूरेसी जो स्टेप काउंटिंग को लेकर उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। बस हल्का फुल्का मुझे लगा यहाँ पे बेटरमेंट होने चाहिए थे, यूआई की जो स्मूथनेस है हल्की फुल्की बेटरमेंट होनी चाहिए थी, ब्राइटनेस पार्ट को लेकर आउटर कंडीशन में हल्की फुल्की बेटरमेंट होनी चाहिए थी। बाकी मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट इसका 2500 रुपीज रखा गया, लेकिन 2000 या 2200 रुपए रखते ज्यादा बेटर रहता, उस हिसाब से मुझे लगा कि इस टाइम पे ये बिल्कुल जस्टिफाई करती है। मैंने फिर भी आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च नॉइस HRX बाउंस स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।